हेलो फ्रेंड्स माय नेम इज नरगिस गुप्ता इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी बैक ट्रैकिंग बैक ट्रैकिंग जस्ट लाइक अ डिवाइड एंड कंकर टेक्निक, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड ग्रीडी अप्रोच जिस तरह से आपने ये सारी टेक्निक्स पढ़ी थी उसी तरह एल्गोरिथम डिजाइन में आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैक ट्रैकिंग एक टेक्निक है नाउ आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन ये आना चाहिए कि वाई वी रिक्वायर्ड बैक ट्रैकिंग जब हमारे पास में डिवाइड एंड कनकर अप्रोच है ग्रीडी भी अप्रोच है डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी है तो हमें बैक ट्रैकिंग की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी बैक ट्रैकिंग को मैं डायरेक्टली डायनेमिक प्रोग्रामिंग से पहले कंपेयर करूं तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग में हमारा पर्पस क्या था एक ऑप्टीमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का था मतलब एक सॉल्यूशन चाहिए जो कि ऑप्टीमल से ऑप्टीमल सॉल्यूशन हो बट बैक ट्रैकिंग में हमारे पास में एक ऑप्टीमल सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए हमें मोर देन वन सॉल्यूशंस पे वर्क करना होता है तो दिस इज कॉल्ड दी बैक ट्रैकिंग नाउ एज ए नेम सजेस्ट बैक ट्रैकिंग मतलब जहां से आपको सॉल्यूशन ना मिले वहां से आप बैक ट्रैक करना स्टार्ट कर जाओ या फिर जिस पर्टिकुलर पाथ में आपको ऐसा लगे कि इसके बाद में सॉल्यूशन मिल ही नहीं सकता आप वहां से बैक ट्रैक कर दो तो दिस इज कॉल्ड दी बैक ट्रैकिंग बेसिकली बैक ट्रैकिंग इज अ ब्रूट फोर्स मैथड ब्रूट फोर्स मैथड आपको पता है कि हमें हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करना पड़ता है बट ब्रूट फोर्स और बैक में भी एक माइनर सा डिफरेंस है तो मैं आपको एक एग्जाम्पल से डायरेक्टली एक्सप्लेन करता हूं नाउ लेट एस रेज्यूम यदि बैक ट्रेकिंग की बात करें तो मेरे पास में तीन रिंग्स हैं ये रिंग नंबर वन इसको मैंने बोला आर वन एक थोड़ा सा मीडियम रिंग है जिसको रिंग को मैंने बोला आर टू और एक छोटा सा रिंग है जिसको बोला आर थ्री ये तीन रिंग्स हैं मेरे पास इन तीन रिंग्स को मेरे को अरेंज करना है यदि इन तीन रिंग्स को मैं अरेंज करूं तो कितनी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है थ्री फैक्टोरियल मतलब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है सिक्स मतलब टोटल सिक्स सॉल्यूशंस मेरे इससे जनरेट होंगे क्या मैं इस सिक्स सॉल्यूशन को जो ब्रूट फोर्स मेथड है उसको रिड्यूस कर सकता हूं रिड्यूस कर सकता हूं तो कैसे कर सकता हूं वो हमें बैक ट्रैकिंग में देखना है बैक ट्रेकिंग के थ्रू देर आर नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ऑफ बैक ट्रैकिंग लाइक एन क्यू प्रॉब्लम एम कलरिंग प्रॉब्लम बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मिल्टोनियन साइकिल प्रॉब्लम तो इन सारे एप्लीकेशंस को हम बैक ट्रेकिंग से सॉल्व कर सकते हैं और इसको सॉल्व करने के लिए हमें रिक्वायर्ड होती है एक स्टेट स्पेस ट्री तो क्या चाहिए हमें एक स्टेट स्पेस ट्री चाहिए तो हर एक सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए आप एक स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ करेंगे फॉर एग्जांपल यदि मैं इस पर्टिकुलर के लिए एक सॉल्यूशन डिजाइन करूं तो स्टेट स्पेस ट्री मैं कैसे बनाऊंगा

की बात कर रहे हैं तो यहां से एक सॉल्यूशन ये पॉसिबल पॉसिबल ये हो सकता है कि मैं यहां पर आर वन लिया तो अब यहां आर थ्री ले लूं और आर थ्री के बाद मैं यहां पे सॉल्यूशन मेरा क्या जनरेट हो सकता है कि लेट इज एज्यूम मैं मेरा सॉल्यूशन यहां पे आ गया आर टू ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और यदि अपन देखें तो यहां पर मैं अब R2 ले लू यहां पर तो R2 से मेरे कितने solution, कैसे, कैसे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं यदि R2 ले लिया है तो मैं R1 ले सकता हूं और R1 ले लिया तो R3 ले सकता हूं और यहां पर यदि R2 लिया है तो R3 ले सकता हूं और R1 ले सकता हूं तो एक सॉल्यूशन ये भी जनरेट हो गया और क्या पॉसिबिलिटी है यहां पे यहां पे एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि R3 में पहले पहले R3 रिंग को पिक कर लूं और यहां पे R2 ले लूं देन उसके बाद में आर वन ले लूँ एक पॉसिबिलिटी है दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है आर वन पहले ले लूं देन उसके बाद में आर टू ले लूँ तो टोटल तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस यदि आप काउंट करो तो वन टू तो, थ्री फोर फाइव सिक्स तो टोटल हमारे पास में कितने सॉल्यूशंस आ गए सिक्स क्या मैं ब्रूट फोर्स मेथड से ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन सॉल्यूशंस मुझे मिले हैं सिक्स क्या इनको मैं रिड्यूस कर सकता हूं यदि रिड्यूस कर सकता हूं तो मैं बैक ट्रैकिंग उस पर अप्लाई करूंगा मतलब इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि विद हेल्प ऑफ ऑफ बैक ट्रैकिंग वी कैन रिड्यूस नंबर मतलब ये जो सोल्यूशंस uh, की बात नहीं है यहाँ पे कि पांच आ रहे हैं छ आ रहे हैं दस आ रहे हैं मतलब ये पूरा का पूरा स्टेप जो है जो इतने सारे हमें कॉल कैलकुलेशन करने पड़ रहे हैं क्या इन कैलकुलेशन को मैं कम कर सकता हूँ तो वहां पर मैं बैक ट्रैकिंग अप्लाई कर सकता हूँ नाउ यदि इस पर्टिकुलर सिनेरियो में मुझे बैक ट्रैकिंग अप्लाई करनी होती तो अपन देखते हैं कि इसमें अपन पर्टिकुलर बैक ट्रेकिंग के लिए स्टेश, स्टेट स्पेस ट्री कैसे बनेगा तो मैं इसको रफ कर देता हूं नाउ अब बैक ट्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टेट स्पेस ट्री बनाते हैं ये मेरे पास में आर टू रिंग है ये वाली मेरे पास में आर थ्री रिंग है देखिए सबसे पहला मैंने R1 रिंग को पिक किया और याद रखिए बैक ट्रैकिंग मतलब डी एफ एस डी एफ एस मीन डेफ्थ फर्स्ट सर्च ऑलवेज हम डेफ्थ में सबसे पहले सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे हम ब्रिथ वाइज नहीं चलेंगे हम डेफ वाइज चलेंगे तो मैंने R1 रिंग ले लिया दूसरा मैंने लिया R2 यस आर टू ले लिया और बैक ट्रेकिंग में एक सबसे बड़ी चीज है यहां पर आपके साथ में बैक ट्रेकिंग मतलब सम कंस्टेंट कंस्टेंट का आना कंपलसरी है बैक ट्रेकिंग तभी अप्लाई करते हैं हम जब कुछ कंस्टेंट हो अब कंस्टेंट क्या हो सकते हैं यहां पे कंस्टेंट ऐसे बन सकते हैं कि लेट अस एज्यूम कोई भी आपके पास में जो छोटी वाली रिंग है इस छोटी वाली रिंग पे कोई बड़ी रिंग नहीं आ सकती या फिर ये कह सकते हैं हम कि कोई बड़ी रिंग है उस पर छोटी रिंग नहीं आ सकती तो बहुत सारे कंस्टेंट बन सकते हैं अस रिज्यूम हम ये कंस्टेंट लगा लेते हैं यहाँ पर कि जो R3 है मतलब R1 रिंग आ सकती है R2 रिंग आ सकती है R3 रिंग R1 R2 रिंग के पहले नहीं आ सकती ठीक है मतलब हम इस तरह से कोई भी पॉसिबिलिटी बनाएं लेट लेटेज अजियुम हम ये बोलें हम ये बोल रहे हैं यहां आर वन रिंग है यहां आर टू रिंग है यहां पर आर थ्री रिंग है यदि ऐसा है तो सही है बट ये जो आर थ्री रिंग है ये मेरी मिड में, तो तो में नहीं आना चाहिए तो क्या सॉल्यूशंस बनेंगे तो आर थ्री रिंग मेरा मिड में नहीं आना चाहिए तो ठीक है आर वन पेनल ले लिया फिर आर टू ले लिया फिर आर थ्री ले लिया ये एक मेरे पास में परफेक्ट सॉल्यूशन बन गया क्योंकि आर मेरा कंस्टेंट क्या था आर वन रिंग मेरी मिड में नहीं आना चाहिए तो मिड में नहीं है

बेसिकली यदि कोई बन चुका है तो कुछ नहीं हम बैक ट्रैक करें बैक ट्रैक करके हम कहां पे आ गए R2 पे क्या R2 से कोई सॉल्यूशन मिल रहा है नहीं तो बैक ट्रैक करके हम R1 पे आ गए जैसे ही R1 पे मैं आया तो क्या कोई सॉल्यूशन R1 से मिलेगा तो R1 से मैं क्या कर सकता हूं R2 यहां ले लिया तो R3 में यहां ले लूं बट आपने पहले ही बोल दिया कि जैसे ही R3 थ्री आए हमारा कंस्टेंट क्या R3 नहीं आ सकता बीच में तो ये तो आपका सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं तो इसको बोल देंगे अपन डेड एंड दिस इज कॉल्ड दी डेड एंड ये कहलाता है आपका डेड एंड मतलब ये पर्टिकुलर एंड पर आपको इस पर्टिकुलर पाथ पर इस पर्टिकुलर एंड पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिला तो दिस इज कॉल्ड दी डेड एंड नाउ और देखें और क्या सोल्यूशन मिल सकते हैं और सोल्यूशन यदि अपन देखें तो यहां पर यदि R1 है यहां पर R3 है तो ये तो पॉसिबिलिटी हो ही नहीं सकती R3 थ्री यहां आ ही नहीं सकता यदि R2 टू यहां पर आया तो R3 थ्री ऑलरेडी आपका आ चुका है तो ये सॉल्यूशन का पार्ट है ही नहीं नाउ अपन बात करें अब R2 के नाउ आर टू यदि मैंने यहां पे लिया तो यहां पर क्या मेरा आर वन हो सकता है यस yes, बिल्कुल हो सकता है कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है यहां क्या आर थ्री हो सकता है यस yes, हो सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं मिड में नहीं आना चाहिए बस ठीक है ये यह क्या यहां पे आर थ्री हो सकता है नहीं यहां पे नहीं आ सकता तो ये मेरे को क्या मिल गया दूसरा डेड एंड मिल गया नाउ और देखें क्या पॉसिबिलिटीज है क्या मेरा R3 थ्री स्टार्टिंग में आ सकता है यस yes, बिल्कुल हो सकता है स्टार्ट के कोई कंस्टेंट है ही नहीं फिर उसके बाद में यहां पे क्या R1 हो सकता है R1 और R2 के लिए कोई कंस्टेंट है ही नहीं ठीक है क्या R2 टू यहां हो सकता है R1 वन यहां हो सकता है यस yes, बिल्कुल हो सकता है कोई कंस्टेंट ही नहीं क्या था R3 थी आपका मिड में नहीं आना चाहिए तो यदि टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की आप बात करें तो यहां पे आप देखें वन सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन थ्री सॉल्यूशन फोर सॉल्यूशन तो आपने क्या किया जहां पर ब्रूट फोर्स मैथड में सारी पॉसिबिलिटीज पे आपको वर्क करना पड़ रहा था यहां पर आपने वो सारी पॉसिबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया जिन पॉसिबिलिटीज से जिन पर्टिकुलर पास से आपको सोल्यूशन मिल ही नहीं रहा था उसको रिड्यूस कर दिया दिस इज ब्यूटी ऑफ बैक ट्रैकिंग और दिस इज बैक ट्रैकिंग की तरफ लेके चलता हूं so, मैंने यहाँ पे ये सारे मेरी पे आपको मिल जाएंगे यदि आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं आपको बता देता हूं नरगिस गुप्ता डॉट कॉम पर जाइए पर आपके सारे नोट्स मिल जाएंगे ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे आपको नोट्स वाले सेक्शन में आना है नीचे आ जाइए आप नोट्स वाले स्टडी मटेरियल्स एंड स्टडी मटेरियल्स में आप आएंगे तो एल्गोरिथम नोट्स यहाँ पे बहुत सारे नोट्स अपलोडेड हैं और भी सारे नोट्स में अपलोड कर दूंगा नाउ वी वांट बैक ट्रैकिंग नोट्स तो आप बैक ट्रैकिंग पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और बैक ट्रैकिंग से रिलेटेड आपको जो भी स्टडी नोट्स हैं ये पूरा के पूरा नोट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी के लिए गेट एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा नाउ यहां पे मैंने लिखा भी है बैक ट्रेकिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच दैट यूजेज अ ब्रूट फोर्स अप्रोच फॉर फाइंडिंग दी डिजायर सॉल्यूशन तो बेसिकली हम ब्रूट फोर्स अप्रोच ही यूज कर रहे हैं लेकिन ब्रूट फोर्स अप्रोच में भी जहां से हमें सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है वहां से हम बैक ट्रैक कर जा रहे हैं नाउ उसके बाद में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि ब्रूट फोर्स टेक्निक को यूज़ करता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डायनेमिक प्रोग्रामिंग एंड बैक ट्रैकिंग जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ यदि बैक ट्रैकिंग में हमें कोई सॉल्यूशन ना मिले तो हम बैकवर्ड आ जाते हैं बैकवर्ड आ रहे हैं वापस आ रहे हैं और फिर से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के तरफ मूव करते हैं When to use बैक ट्रैकिंग कब हमें बैक ट्रेकिंग यूज़ करना है अ पीस ऑफ सफिशेंट इंफॉर्मेशन यदि अवेलेबल नहीं है और हमें बेस्ट च्वाइस को बनाना है बेस्ट चॉइस फॉलो करनी है तो उस केस में आप बैक ट्रैकिंग अप्रोच को यूज़ करते हैं जहाँ पे डिसीजन टू लीड्स अ न्यू सेट ऑफ चॉइसेस नए सेट ऑफ चॉइसेस बन जाती है वहाँ पे आप बैक ट्रैकिंग को यूज़ कर सकते हैं बैक ट्रैक करके नए सॉल्यूशंस यदि आपको मिल रहे हैं तो वो आप पॉसिबिलिटीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं देन उसके बाद में आ, बैक ट्रैकिंग किस तरह से वर्क करती है तो ये सिस्टमेटिक मेथड है सिस्टमैटिक तरीके से ही वर्क करती है ट्राइंग आउट अ वेरियस सीक्वेंस ऑफ डिसीजन अंटिल यू फाइंड आउट दी व्हाट यू वर्क मतलब जो सॉल्यूशन आपको चाहिए वो यदि नहीं मिल रहा है तब तक आप सॉल्यूशंस फाइंड आउट करते हैं नाउ यदि इस पर्टिकुलर डायग्राम को देखो तो यहां पे हमने ये बताया कि व्हाट डू मीन बाय स्टार्ट नोड एड नोड ई नोड सक्सेस नोड ये सारे नोट क्या कहलाते हैं तो बेसिकली इन सब के बारे में बताऊं यदि आपको सॉल्यूशन मिल गया तो दिस इज कॉल्ड दी सक्सेस नोड ठीक और यदि डेड सॉल्यूशन नहीं मिला तो दिस इज कॉल्ड दी डेड एंड जहां से आपको ब्रांच हो पा रही है मतलब आपको आगे जाने के रास्ते मिल पा रहे हैं वो कहलाता है आपका ई e नोड तो इसके बारे में भी मैं आपको डिटेल से यहां पे बताता हूं नाउ यदि हम इसकी बात करें तो यहां पे देखिए ये एक स्टार्ट नोड है लेट एस रेज्यूम ए नोड है और ए से मैं बी पे जा रहा हूं ठीक है से लेट लेटे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा मैं बी पे जा रहा हूं और बी के बाद लेट लेटे मुझे कोई सॉल्यूशन नहीं मिला यदि सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे इस केस में बैक ट्रैक करेंगे वापस आएंगे तो वापस आए तो वापस आके बी से कोई पॉसिबिलिटी है नहीं है तो आप ए पर वापस आए लेट लेटेज एज्यूम ए से कोई सॉल्यूशन आपको मिल रहा है सी बट सी से कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रहा मतलब ए से कोई नोड आपका कनेक्टेड है सी बट सी से स्टिल कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे यहां से बैक ट्रैक करेंगे जहां से सॉल्यूशन नहीं मिल

ये क्या हो गया बेसिकली यदि हम इसकी बात करें तो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स हमने देखी डेड नोट क्या होते हैं स्टार्ट नोट क्या होते हैं सक्सेस नोट क्या होते हैं नाउ यहाँ पे लिखा हुआ भी है लाइव नोट क्या द नोट दैट कैन बी फर्दर जनरेटेड आर नॉन एज अ लाइव नोट मतलब वो लाइव है जिंदा है अभी तो वो फर्दर जनरेट कर सकता है ई नोट जहाँ से नोड्स हुज चिल्ड्रन आर बींग जनरेटेड एंड बिकम अ सक्सेस नोड जहाँ से उसका चिल्ड्रन जा रहा है और वो सक्सेस नोड बन रहा है तो वो ई नोड हो गया तो इस पर्टिकुलर केस में यदि आप देखें तो डी का चिल्ड्रन है एफ और इससे सक्सेस नोड मिल रहा है तो डी इज ई नोड सक्सेस नोड मतलब जिस पे आपको सक्सेस मिल गई वो डेड एंड मतलब मैंने बताई दिया ऑलरेडी जहाँ से कोई भी आपको नहीं मिलते न एप्लीकेशंस की बात करें uh, तो एन क्यू इन प्रॉब्लम सम ऑफ सबसेट प्रॉब्लम ग्राफ ट्यूरिंग हेमिल्टियन साइकिल इन सब में आप बैक ट्रैकिंग यूज

एंड सिलेक्ट द डिजायर्ड सॉल्यूशन फ्रॉम दी गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशन और जो आपके पास में गिवन सेट ऑफ सॉल्यूशंस हैं उसी में से ही डिजायर्ड सॉल्यूशन फाइंड आउट करती है तो ये कहलाती है आपकी बैक ट्रैकिंग सो इन नेक्स्ट वीडियो और अपकमिंग वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग वन बाई वन करके हम बैक ट्रेकिंग एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे एक और टर्म्स यहां पे आती है जिसको हम बोलते हैं ब्रांच एंड बाउंड तो ब्रांच एंड बाउंड बेसिकली क्या है बैक ट्रैकिंग की तरह ही एक सॉल्यूशन फाइंडिंग अप्रोच है एक मैथड uh, है बट बैक ट्रैकिंग में आप डेफ वाइज चलते हैं और ब्रांच एंड बाउंड में आप ब्रिथ वाइज चलते हैं तो यही एक बेसिक डिफरेंस है बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक में सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी एप्लीकेशन ऑफ बैक ट्रैकिंग थैंक यू सो मच